कि विश्वास टूटा है या श्वास टूटा है, कोई फर्क कर रहा है? ये फर्क छूटा है ऐसे इंसान के लिए जो आत्महत्या करने जा रहा है। विश्वास का टूटना इज इक्वल टू श्वास का टूटना। कि विश्वास टूटा है या श्वास टूटा है, कोई फर्क कर रहा है? ये फर्क छूटा है। चलती सांसों का नाम जिंदगी है, धड़कती धड़कनों का नाम जिंदगी है। ये जो कह रहा है दफन कहीं उसकी बंदगी है। विश्वास ये जो शब्द है ना, होने में कुछ नहीं लगता, खोने पर कुछ नहीं बचता। जब कुछ होता ही नहीं, ऐसे होने का भी क्या होना। कितना आसान होता है ना जीवन का खोना, जरा भी ना रोना। खुद को खुशी तो देती है खुदकुशी, चाहे उनकी खुशी को अपना जीवन मानने वाले होते रहें दुखी। खुद को खुशी देती है खुदकुशी। आसान होता होगा ना एक किसान बाप का जाना, खुद खुश होकर अपने बच्चों को रुलाना। आसान एक साथी का अपने जीवन साथी को छोड़ जाना, खुद खुश होकर उसे दुखों का साथ दे जाना। कितना आसान आकाश को छूने की ख्वाहिश रखने वाले किसी विद्यार्थी का शून्य में विलीन हो जाना, खुद खुश होकर अपनों को अपने लिए तड़पाना। आसान तो होता ही होगा ना एक माँ का अपने बच्चों को यूं ही छोड़ जाना, खुद खुश होकर उनकी हर खुशी लूट ले जाना। बिना किसी पैमाने की सबका मानना है, खुदकुशी का मतलब खुद को खुशी दे जाना है। बस मेरी लेखनी कह रही, मैं और ना लिख पाऊंगी। खुदकुशी का मतलब खुद को खुशी देना है, ये कैसे सह पाऊंगी। आज जब लेखनी उठाई थी ना, मैंने किसी माँ के आंसू की स्याही पिलाई थी इसे, किसी पत्नी के बिखरे सिंदूर से रंगा था इसे, फिर ये चलने से क्यों मना कर रही है। शायद किसी भाई की टूटी राखी के धागे में उलझ गई है, पर चलना तो पड़ेगा इसे, ये बताने के लिए कि खुदकुशी का मतलब सिर्फ उसकी खुशी था, उनकी खुशी नहीं। तुझे चलना होगा मेरी लेखनी, ये बताने के लिए कि जो संघर्ष शून्य, वो ना जीवन इसका ना जीवन किसी का। संघर्ष किसकी जिंदगी में नहीं आते। कि जो संघर्ष शून्य, वो ना जीवन इसका ना जीवन किसी का। जो शव बह रहा लहरों के साथ, वो नहीं कोई पावन किस्सा। बताना होगा तुझे मेरी लेखनी कि दूसरों को चुप कराने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है, अपनी चुप्पी तोड़नी होती है, दम नहीं। आखिर बताना होगा इसे कि गला रुंध गया तो अश्रु बहाते हैं, कंठगत रक्त नहीं। तुझे चलना होगा मेरी लेखनी ये बताने के लिए कि महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। पाइए उपलब्धियों की महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, मगर जिंदगी से जरूरी भी नहीं है। और लोग बाद में सिर्फ टिप्पणियां करेंगे, अखबारों में लेकर आएंगे कि कोई तुम्हारे यूं जाने को मनोरोग बता रहा, कि कोई तुम्हारे यूं जाने को मनोरोग बता रहा, तो कोई इसे अभाव योग का जता रहा। कोई कह रहा शायद दोष छिपाना था तुम्हें, तो कोई कह रहा कायर बेचारा था तुम्हें। शत्रु मार सकते मात्र शरीर है, तुम मार रहे आत्म तत्व को, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, किंतु तुम कर रहे आत्महत्या हो। लेकिन तुम तो खुद से खुश हो ना, जो माँ तुम्हें समाचारों में देखना चाहती थी वो तुम्हें अखबार में तो देख रही है ना। ए मेरी लेखनी, तो कहे इस जाने वाले से कि तेरे जाने से दुनिया नहीं रुकेगी, गलतियां भी नहीं झुकेंगी, तेरे मन की एक ना होगी। पर नहीं, तो एक बार रुक, गलती क्या सिर्फ जाने वाले की है, जाने देने वालों की नहीं। कहा होता उससे कई दफा, तेरे पास अगर कुछ नहीं फिर भी मैं तो हूं और मेरी राखी भी भाई। जाने ना चाहे तुझे ये जग सारा, तो रहेगा हमेशा मेरी आंखों का तारा। हर शाम को उससे ये कहना, कोई गम हो तो बांट के सोना। अब तक किए संघर्ष को क्यों जाया कर रहे हो, अब तक किए संघर्ष को क्यों जाया कर रहे हो। मरने की एक वजह, जीने की 100 वजह बेवजह कर रहे हो। तुम्हारे लिए मुझसे जरूरी वो वजह थी शायद, कि तुम्हारे लिए मुझसे जरूरी वो वजह थी शायद, जो लगभग बेवजह थी शायद। फिर भी जाने वाले से एक बार फिर से पूछो, फिर भी जाने वाले से एक बार फिर से पूछो, क्या खुदकुशी का मतलब सच में उसकी खुशी था, क्या खुदकुशी का मतलब सच में उसकी खुशी था। इसी सवाल के साथ वाणी को विराम।